हेलो स्टूडेंट, वेलकम आई यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ क्रैंक एंड सोलेटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में कि आखिर में क्रैंक एंड सोलेटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि आखिर में क्रैंक एंड सोलेटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता क्या है, ठीक है। ये चीज़ को समझते हैं। क्रैंक एंड सोलेटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है, ये एक तरह का क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म इस कहने का मतलब एक तरह का तरीका होता है, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि बहुत सारे मैकेनिज्म से इस्तेमाल करने के बाद एक मशीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म होती है, एक तरह का जो तरीका होता है, ये क्या तरीका होता है, क्रैंक एंड सोलेटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या तरीका है, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, ठीक है। ये घूर्ण गति को आगे पीछे करने के लिए ये मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिसको एक तरह का क्रैंक एंड सोलेटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। ये जो क्रैंक एंड सोलेटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है, इसका इस्तेमाल यहाँ सेपर मशीन में किया जाता है, मेटल कटिंग मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सेपर मशीन में इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर मेटल को कटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर जो हमारा क्रैंक एंड सोलेटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, इसके अंदर क्या होती है, जो गेयर लगी होती है वो क्या घूर्ण गति में रोटेशन करती है, मोटर से जब कनेक्ट होती है तब, ठीक है। तो जो घूमती है तो क्या होती है, तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, घूर्ण गति को क्या इस तरह से लिंक के साथ कनेक्ट कर दी जाती है कि ये आगे पीछे ये रेसिप्रोकेट होती है, इसके ऊपर वाली रैम और उसके साथ टूल को कनेक्ट कर देते हैं। और जो टूल क्या काम करती है, जब आगे पीछे रेसिप्रोकेट होती है तो वहाँ पे उसको कटिंग कर देती है, कोई भी आप मटेरियल को रखते हैं, कोई मेटल को रखते हैं तो कटिंग कर देती है, ठीक है। इसको हम लोग वर्किंग के दौरान देखेंगे कि आखिर में किस तरह से कटिंग को करती है, ठीक है। ये जो टॉपिक है क्रैंक एंड सोलेटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हर बार एग्जाम में किसी न किसी बहाने से इसको पूछ देता है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर काफी अच्छी तरीके से नोट्स भी बनाए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जरूर जाके आप वीडियो को देख सकते हैं और नोट्स को गेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैकेनिज्म को कहां पे इस्तेमाल किया गया, जैसे कि सेपर मशीन में इस्तेमाल किया गया है, अगर वो देखना चाहते हैं सेपर मशीन कैसे वर्क करता है, किस तरह से मैकेनिज्म को इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वीडियो, वो भी जाकर वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप समझ लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में क्रैंक एंड सोलेटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट कंपोनेंट के क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होती है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है फ्रेम की, ठीक है। इसको एक तरह का फ्रेम बोलेंगे जो बिल्कुल उल्टा टी की आकार की होती है, ठीक है। ये फ्रेम के जस्ट ऊपर में लाइन ऑफ स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाता है, एक तरह का सोलेटेड यहाँ पे कटी होती है, जो यहाँ पे इसके ऊपर जो रैम को फंसा दी जाती है और रैम यहाँ पे रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है। यही लाइन ऑफ स्ट्रोक में यहाँ पर रैम रेसिप्रोकेट करता है, तभी जाके वर्क कर पाता है, ठीक है। अब क्या होती है, जस्ट इसके बीच में इस्तेमाल किया जाता है फ्रेम के बीच में क्रैंक का, जिसको एक तरह का बुल गियर भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसको एक तरह का क्या बोलेंगे, क्रैंक बोलेंगे, जो ये पूरी तरीके से यहाँ पे रोटेशन करती है और लिंक को यहाँ पे क्या काम करती है, इसे रेसिप्रोकेट करवाती है ऊपर वाली रैम को भी, ठीक है। अब क्या होती है कि ये जो नजर आ रही है क्रैंक के बीच में लगी होती है, इसको एक तरह का कनेक्टिंग रड बोलेंगे, ठीक है। इसको एक तरह का ए बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो को हम कनेक्टिंग रड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको कनेक्टिंग रड बोलेंगे, और जो कनेक्टिंग रड जो होती है जैसे इसके ऊपर वाले भाग में, इसको एक तरह का स्लाइडिंग पिन बोलेंगे, एक तरह का पिन होती है, ऊपरी विभाग होती है, जो आगे की ओर जो हम इस्तेमाल करेंगे उसमें एक तरह का स्लॉट कटी होती है, उसमें फंसाने का काम करता है, ठीक है। अब क्या होती है, ये जो पिन होती है जस्ट इसके बीच में इस्तेमाल किया जाता है एक यहाँ पे स्लॉटेड बार का, जिसको एक तरह का आप स्लॉटेड लीवर भी आप इसे बोल सकते हैं, जहाँ इसके बीच में एक तरह का रॉड होती है और रॉड के बीच में स्लॉट कटा होता है, जिसको एक तरह का स्लॉटेड बार बोलते हैं, ठीक है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे स्लाइडिंग पिन में फंसा दी जाती है। अब क्या होती है, ये जो स्लॉटेड बार है जस्ट इसके नीचे में एक तरह का यहाँ पे फिक्स लिंक का इस्तेमाल किया जाता है, जो यहाँ पे सोलोटेड बार को यहाँ पे फिक्स कर देती है, सिर्फ ये मूव करने का काम होती है, ठीक है। ये जो सोलोटेड बार है जस्ट इसके ऊपर में हम इस्तेमाल करते हैं एक तरह का कनेक्टिंग रड बी का, ठीक है, जो आगे चल के ये हमारा रैम के साथ अटैच हो जाएगी। देख सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, रैम बोलेंगे, ठीक है। देख सकते हैं किस तरह से कनेक्टिंग रड के साथ इसको अटैच कर दी जाती है, ठीक है। अब क्या होती है, ये जो रैम है इसका काम होता है आगे पीछे रेसिप्रोकेट करना, ठीक है। मतलब ये जो रैम है ये जस्ट इसके आगे हम इस्तेमाल करते हैं एक तरह का यहाँ पर टूल का, ठीक है। यही एक तरह का कटिंग टूल होती है, जो आगे चल के अगर कोई मशीन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जाके कटिंग करने का काम करती है, ठीक है। अब क्या होती है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने रैम, जो ये जो रेसिप्रोकेट करती है आगे की ओर, तो कटिंग स्ट्रोक बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो वापस ये पीछे की ओर आती है, इसको रिटर्न स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है, जो हम लोग वर्किंग के दौरान समझेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्रैंक एंड सोलेटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है।
तो चलिए अब समझ लेते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में क्रैंक एंड सोलेटल लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ठीक है, जी जी को समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि ये नजर आ रही है इसको एक तरह का क्रैंक बोलेंगे और क्रैंक वाली बीच वाली को एक तरह का क्रैंक शाफ्ट बोलेंगे। ठीक है, यही शाफ्ट क्या होती है, जस्ट इसके पीछे में गेयर बॉक्स के साथ कनेक्ट होती है और गेयर बॉक्स हमारा मोटर साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो मोटर यहाँ पे रोटेशन करता है और गेयर बॉक्स को भी रोटेशन कराता है। ठीक है, और जैसे ही गेयर बॉक्स यहाँ रोटेशन करता है तो इसके साथ जो कनेक्ट है हमारा क्रैंक के साथ, तो क्रैंक को भी यहाँ क्या काम करता है, रोटेशन कराता है। ठीक है, तो क्रैंक देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करती है। ठीक है, और क्रैंक के साथ अटैच है एक तरह का कनेक्टिंग रड और उसके साथ स्लाइडिंग पिन, तो ये भी उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होती है कि रोटेशन करने लगती है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो स्लाइडिंग जो पिन है वो कनेक्ट है किसके साथ, सोलोटेड बार के साथ। ठीक, मतलब उसके साथ यहाँ पे स्लाइडिंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम करती है, सोलोटेड जो बार है उसको भी एक तरह का यहाँ पे मूव करवाने लगती है। और यहाँ पर सोलोटेड बार के साथ कनेक्ट है कनेक्टिंग रड और कनेक्टिंग रड के साथ कनेक्ट है हमारा क्या, रैम। ठीक है, और रैम के साथ हमारा कनेक्टेड टूल, तो ये क्या काम करती है कि हमारा रैम को क्या काम करती है कि धीरे धीरे यहाँ पे रेसिप्रोकेट कराने लगती है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ रेसिप्रोकेट करा रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्रैंक यहाँ पे 180 डिग्री रोटेशन कर रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सोलोटेड जो बार है वो आगे की ओर मूव कर रही है, और मूव कर रही है तो उसके साथ जो कनेक्ट है हमारा रैम, तो रैम क्या हो रही है आगे की ओर रेसिप्रोकेट हो रही है। ठीक है, तो उसमें वो स्टोक को क्या बोलेंगे, एक तरह का कटिंग स्टोक बोलेंगे। ठीक है, मतलब वहां पर कोई भी अगर मटेरियल को कटिंग कर रहे हैं, कोई मेटल को कटिंग कर रहे हैं तो उसके साथ वहां पर क्या काम करेगी, तो उसके ऊपर से मटेरियल को कट करके आगे की ओर नीचे की ओर उसका चिप्स को गिरा देगी। ठीक है, और क्या होती है, जैसे ही रिटर्न स्ट्रोक होती है तो यहां पर देख सकते हैं कि वापस 180 डिग्री हमारे क्रैंक यहां रोटेशन करती है, तो इसको क्या बोलते हैं कि ये पूरी तरीके से सोलोटेड बार को वापस 180 डिग्री यहां पर मूव करवा देती है। और जैसे ही मूव होती है उसके साथ कनेक्ट है हमारा रैम, तो रैम को वापस यहां लेफ्ट से राइट की ओर मूव करती है। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकेट होती है। ठीक है, तो रैम क्या होती है, उसमें उस स्टॉक के एक तरह का हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न स्टॉक बोलते हैं। उसमें कोई भी यहाँ पे मटेरियल को कटिंग नहीं करता है, जो चिप्स कटिंग किया हुआ उसको क्या काम करता है, उसको एक तरह का मूव करने का काम करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, मतलब रैम यहाँ पे आगे की ओर बढ़ती है, रेसिप्रोकेट होती है, मतलब उसको कटिंग स्टॉक बोलते हैं, उसके सही से मटेरियल को कटिंग करता है। ठीक है, वापस जब रैम यहाँ पर रिटर्न स्टॉक होती है तो वो कोई मटेरियल को कटिंग नहीं करता है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको क्रैंक एंड सोलोटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि आखिर में किस तरह से ये काम करता है। तो वीडियो देखने का थैंक यू, चैनल में नए आए हुए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए और अपने दोस्तों से जरूर वीडियो शेयर कीजिए अगर टॉपिक समझ गए हो तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।